स्तर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नाईक, प्रदेश सरकार के मंत्री, अधिकारी और देश के जाने माने उद्योगपति उपस्थित थे। वैसे मैं गुजरात से आता हूं और देश में सबसे सफल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत गुजरात ने करी, मगर मैं उत्तर प्रदेश को जानता हूं। मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य और आनंद का विषय है कि इतने कम समय में सफलता को जमीन पर उतारने में श्री योगी आदित्यनाथ सफल हुए। फरवरी 2018 में जब 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश के एमओयू हुए, लगभग 1,000 से ज्यादा एमओयू हुए, तब भी मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई शुरुआत हुई है और देश के सबसे बड़े प्रदेश के अंदर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश देश के विकास में कंट्रीब्यूट करने की एक नई शुरुआत कर रहा है। मगर उस वक्त मुझे कल्पना नहीं थी कि एक साल के अंदर इसके 25% एमओयू धरातल पर जमीन पर देखने का दृश्य देखने को मिले। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के एक जिला एक उत्पाद योजना की सराहना करते हुए कहा कि योगी सरकार प्रदेश में विद्यमान परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत इन उद्योगों का जहां पुनरुद्धार होगा, वहीं इसमें लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का यहां पर उल्लेख हुआ, मगर मेरे लिए उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण अगर कोई योजना है तो एक जिला एक उत्पाद का योजना बहुत महत्वपूर्ण। एक जमाने में उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल उत्पादन करने वाला स्टेट था। हर जिले में बहुत सारी संभावनाएं पड़ी हैं। अत्तर भी सबसे अच्छा यहां बनता था, पीतल के बर्तन भी सबसे अच्छे यहां बनते थे, माटी के बर्तन भी यह सबसे यहां बनते थे, चांदी की नक्काशी भी सबसे ज्यादा अच्छी यहां पर बनती थी, कपड़ा भी सबसे ज्यादा अच्छा यहां बनता था और ये सब परंपरागत रूप से यहां पर विद्यमान था। हमने हमारे संकल्प पत्र के अंदर रखा था कि 5 साल के अंदर हर जिले के अंदर जो परंपरागत उत्पाद है जिले का, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था करेंगे और उसके उत्पादन करने वालों को ऋण मुहैया कराएंगे। और मुझे संतोष है कि एक ही साल के कार्यकाल के अंदर योगी आदित्यनाथ सरकार ने 80 के 80 जिलों के एक एक उत्पाद को ऋण भी मुहैया कराया, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी दी, मार्केटिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया। आज वो सारे उद्योग, छोटे उद्योग सुचारू रूप से चल रहे हैं और जिसमें उत्तर प्रदेश की आत्मा धड़क रही। केंद्रीय गृह मंत्री ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उत्तर प्रदेश में वे निवेश करें और इसके लिए सभी प्रकार की अवस्थापना संरचना को प्रदेश में कोने कोने तक फैलाया जाएगा। सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक पैमाने पर विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की संकल्पना उत्तर प्रदेश के बिना संभव नहीं है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था जल्दी ही $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। मैं बताना चाहता हूं, आज 17 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम हमने कर दिया है और 15 पाइपलाइन पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देना प्रायोरिटी के आधार पर इस सरकार ने कर दिखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप जो लोग पूंजी निवेश करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 5 साल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के रोडों का इतना बड़ा जाला देखेंगे शायद ही दुनिया के कोई देश के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक विजन के साथ, 5 साल के क्षण क्षण की डिवीजन के साथ एक माइक्रो प्लानिंग बनाया गया है, चाहे जलमार्ग का निर्माण हो, चाहे हर घर में बिजली पहुंचानी हो, चाहे बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करना हो, उद्योगों को 24 घंटे बिजली पहुंच पाए इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी हो, या हर नागरिक को बिजली की उपलब्धता।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास की जो नीति अपनाई है उसके तहत पहले इन्वेस्टर समिट की एक वर्ष के अंदर प्रदेश में लगभग 125,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है। साथ ही एक साल के अंदर उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक निर्यात करने वाला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी निवेश नीतियों की वजह से प्रदेश के युवाओं के लिए 28 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की है। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है। और सार्वजनिक निवेश की भी बात करते हैं तो यह भी लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश हम लोग उत्तर प्रदेश में करने में सफल हुए हैं। रोजगार सृजन इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख लोग नौजवानों को न केवल रोजगार अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में हुए जो निवेश उन प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश ने विगत 2 वर्ष में देश के अंदर किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक एक्सपोर्ट वाला राज्य बनने में सफलता प्राप्त की है और आज 1 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट 28% बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि आज की परियोजनाओं से 3 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। है जिसने विभिन्न फोकस सेक्टर की 16 ऐसे फोकस सेक्टर हमने चिन्हित किए हैं जिसकी हमने अपनी पॉलिसी बनाई है। 3 नए सेक्टर की पॉलिसी हमारी विचाराधीन है। मुझे लगता है कि आगामी 1 महीने के अंदर वह भी कार्य रूप में आप सबके सामने आएगी। आज मैं इस अवसर पर और उत्तर प्रदेश वासियों को 65,000 करोड़ रुपए से अधिक की इन योजनाओं को आपके द्वारा यहां पर प्रदान किया जा रहा है, यानी 65,000 करोड़ का मतलब 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की संभावना इन निवेश के माध्यम से प्राप्त होने जा रही है। अडानी ग्रुप के गौतम अडानी ने कहा कि भारत के विकास और ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के बिना तो कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश ही भारत के विकास को और आगे ले जाएगा। अडानी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का काम ही सफलता की बुनियाद है। यूपी आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। गौतम अडानी ने कहा कि देश की विकास गाथा यूपी से सीधे जुड़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में भ्रष्टाचार खत्म कर सबका साथ सबका विकास की नीति का क्रियान्वयन किया है। यूपी ने जिस तरह से निवेश आकर्षित किया है वह अद्भुत है। में हमने 5,000 करोड़ रुपए पावर ट्रांसमिशन के लिए लगाने को कहा था। हमारे 2 प्लांट पर काम चल रहा है। इस क्षेत्र में और भी खर्च करने की योजना है। We committed an investment of rupees 5,000 crores in the power transmission sector in Uttar Pradesh. We have already initiated the development of 2 transmission projects that will see us building 1,500 circuit kilometers and 950 MVA substation capacity. Over next 5 years, we plan to invest an additional मेदांता के डॉक्टर हरीश त्रिहान ने कहा कि मैं लखनऊ का पढ़ा हुआ हूं, यह मेरा प्रोफेशनल जन्मस्थान है। प्रदेश सरकार निवेशकों की मदद कर रही है। महज 2.5 साल में लखनऊ में मेदांता अस्पताल तैयार किया गया है।
15,000 लोगों को मेदांता लखनऊ से रोजगार मिलेगा। डॉक्टर त्रेहान ने कहा कि लखनऊ के बाद नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी में भी मेदांता अस्पताल खोले जाएंगे। नोएडा में आज 700 बेड के मेदांता अस्पताल का शिलान्यास किया जा रहा है। सभी ने ये एक ही बात कही है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पूरा गवर्नमेंट से समर्थन मिला है, समर्थन ही नहीं एनकरेजमेंट मिला है, तो ये हम सारे और करना चाहते हैं और एक्सपेंड करना चाहते हैं। और आपके डायनामिक चीफ सेक्रेटरी जी ने जो डे टू डे काम करा है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मेरे को लगता है कि यूपी बहुत ही आगे जाएगा, और जिसने मेरे को तो ये विश्वास है कि जिसने गोमती का पानी पिया है उसमें सारी दुनिया घूम आया हूं, सबसे बेस्ट डॉक्टर्स यहीं से निकले और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। टाटा ग्रुप के एम चंद्रशेखर ने कहा कि दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग में भाग लेना सौभाग्य की बात है, उत्तर प्रदेश में काम करने का मतलब सफलता तय है। यहां हमारी टाटा मोटर्स है और टीसीएस है, नोएडा व वाराणसी में रिटेल कंपनी टाइटन और वेस्ट साइट है, हम यूपी में बहुत संभावनाएं देख रहे हैं, हम अपना यहां विस्तार जारी रखेंगे। इट्स अनआर्ग्युएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट इन द कंट्री, एंड यूपीस सक्सेस इज वेरी क्रिटिकल टू रियलाइज द ड्रीम्स ऑफ द नेशन टू बिकम द $5 trillion इकोनॉमी। The state offers significant opportunity for expansion. We as a group see immense potential, whether it is in the renewable sector, whether it is in the tourism sector, whether it is for airlines to operate from here, or from electric mobility for electrification of automobiles and the charging infrastructure. So we see all of this as a big opportunity. PepsiCo India के अहमद अल शेख ने कहा कि हमारी कंपनी 514 करोड़ रुपए का निवेश कर 1500 नौकरियां सृजित करेगी। हमारे संयंत्र से प्रदेश के आलू किसानों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में PepsiCo India 514 करोड़ का निवेश करेगा। PepsiCo इंडिया के सीईओ अहमद अल शेख ने कहा कि हम 2022 तक स्नैक्स बिजनेस को दुगना करेंगे। यूपी में स्नैक्स विनिर्माण संयंत्र लगाया जाएगा। इन द वर्ल्ड विद द यंगेस्ट पॉपुलेशन, आई हैव नेवर सीन ए कंट्री दैट इज सो हंग्री एंड ओपन फॉर चेंज येट स्टिल डीपली कनेक्टेड विद इट्स रूट्स, वैल्यूज एंड कल्चर। टोरेंट ग्रुप के सुधीर मेहता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निवेश का वातावरण काफी बेहतर हुआ है। हमने आगरा में 7 दिन लगातार 24 घंटा बिजली के लक्ष्य को बेहतर किया है और कंज्यूमर सुविधा बेहतर की है। हमने पावर और गैस सेक्टर में 6000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया था, इसमें 3000 करोड़ रुपए का जमीन पर उतरने जा रहा है। 14 जिलों में हमने गैस सप्लाई नेटवर्क विकसित किया है जिसका 4 लाख लोगों को फायदा होगा। At the second groundbreaking ceremony for several investment commitment made in Uttar Pradesh during 2018, the state of Uttar Pradesh is endowed with vast natural resources and large talent pool of human resources. We look upon Uttar Pradesh as a land of opportunity. I am glad that Torrent Group spotted this opportunity early on and has now been a partner in the growth story of Uttar Pradesh since last almost a decade. समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। गंगे नमामि गंगे, रक्त जोगि तहता पानी, दोनों की यही कहानी, अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी तब, सद्बंधु की जान है हम है। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। छाया, छाया, आज तुम्हारा छाया गोली खाने का दिन है। इस साप्ताहिक गोली छाया के साथ मुन्नी को भी भरपूर स्तनपान कराया।
बिना हार्मोन वाली साप्ताहिक गोली छाया को अपनाइए, परिवार नियोजन में अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अधिक जानकारी के लिए अपनी नजदीकी आशा से संपर्क करें। NHM और सिप्सा द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के दूसरे संस्करण में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने मन की बातें साझा की। इनमें से एक अहम मुद्दा जल संरक्षण। मौजूदा वक्त में जल संरक्षण की अहमियत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम उन लोगों का उदाहरण दिया जो अकेले ही पानी बचाने की मुहिम में वर्षों से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को पानी की कीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का जिक्र किया। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, NGO हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको यह जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने परंपरागत खेती से अलग हटकर कम पानी वाली फसलों पर ध्यान देने के लिए हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की सराहना की। एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए त्योहारों के मौकों का भी इस्तेमाल करने की भी अपील की। अब तो त्योहारों का समय आ गया है। त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज नीतियों की नहीं जन चेतना की भी जरूरत है। हर घर में हर बड़े और बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कल दे सके जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद आज मन की बात कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को अमरोहा में बड़ी तादाद में मुस्लिम लोगों ने भी सुना और उसे सराहा। मन की बात को सुनने वालों में हर उम्र के लोग शामिल रहे। लोगों ने कहा कि मन की बात को सुनकर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह प्रधानमंत्री से सीधे बात कर रहे हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री सभी ऐसे पहलुओं को छूते हैं जो कि आम आदमी के मन के होते हैं और हर बार मोदी कुछ न कुछ नए मुद्दे और नए विचार लेकर आते हैं। इनकी मन की बातें जो हैं, जो हमें ये बताते हैं, हर महीने संडे में आती हैं इतवार के दिन TV पे, रेडियो पे, इनसे बड़ी अच्छी सीख मिलती है हमें, बड़े अच्छे फ़ायदे होते हैं और जो भी स्कीमें निकालते हैं बहुत अच्छी देश को फ़ायदे मिलते हैं इससे। मन की बात का कार्यक्रम सुन करके मेरे जो सभी लोग प्रेरणा ले रहे हैं माननीय मोदी जी से, और इससे हमने भी प्रेरणा ली है। हमने भी महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उसे चलाया। 2-4 कार्यक्रम हम कर चुके हैं, बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं। लोग महिलाओं को जागरूक किया कि उनके हक क्या हैं, उनके हकूक के बारे में जागरूक किया, वो कैसे इस सोसाइटी से अपने हक के लिए लड़ें और कैसे वो अपने छोटे से लेके बड़े से बड़े काम तक करा सकें और कैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ें। ये हम भी उनके इस मन की बात कार्यक्रम से जागरूक हुए हैं।
बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए बच्चे, युवा व बुजुर्ग एक साथ बैठे दिखे, जो इस बात को दर्शाता है कि मन की बात कार्यक्रम पूरे परिवार को एक सूत्र में भी बांध रहा है। मन की बात कार्यक्रम युवाओं को विशेषकर पसंद आ रहा है, जिससे उन्हें कुछ सीखने व करने की प्रेरणा मिलती है। मन की बात सुनने के बाद आरती ने बताया कि वह लगातार इस कार्यक्रम को सुनती हैं और जल संरक्षण के लिए उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। वह लोगों को भी जल संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगी। जैसे मोदी जी हमें एक अवसर पे अपने मन की बातें बता के काफ़ी कुछ सिखाते हैं। जैसे उन्होंने जल संरक्षण के बारे में हमें बताया, उन्होंने अगले महीने ही एक इसके बारे में हमें बताया था कि हम जल संरक्षण करके अपने भविष्य को कैसे ही अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि भविष्य में हमारे लिए जल के लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। और मन की बात में उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में जो चंद्रयान जो है वो हमारे देश के लिए सफलता एक बहुत बड़ा प्रतीक रहा है। मोदी जी की मन की बात हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, सब लोग साथ में सुनते हैं। जो कि इस बार बताया उन्होंने जल संरक्षण के बारे में, उसका भी हम लोग उस पर केयर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम लोग भी जल संरक्षण करें कि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझ करके हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे लिए सुख दुख त्याग करके काम कर रहा है। प्रधान से बात नहीं कर पाते थे, विधायक और सांसद तो दूर की बात है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मतलब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर ऐसा लग रहा है कि देश हमारा पूरी तरह से बदलने वाला है और विकास करने वाला है। मन की बात से हम युवा छात्रों को हर बार प्रेरणा मिलती है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी हम लोग को प्रेरित करते हैं और उत्साहित करते हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हाल ही में जिस चंद्रयान जिस हिसाब से अंतरिक्ष में पहुंचा, हम लोग उससे काफ़ी उत्साहित हुए और ये हमारे देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सांसद राजेंद्र अग्रवाल समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने अटल जन सेवा केंद्र पर रेडियो पर आकाशवाणी के माध्यम से सुना। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम घरों में भी पूरे परिवार के साथ दूरदर्शन पर देखा गया। लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को ध्यान से सुना और उसको अपने जीवन में और रोजमर्रा के कार्यों में शामिल करने का संकल्प लिया। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। हरे आशा।